हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह 8 बजे से हर दिन आप पढ़ते हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो इसी क्रम में आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक्सरसाइज आपका 4.3 यानी प्रश्नावली 4.3 सवाल नंबर 4। बहुत ही आसान है ये, कहानी नुमा सवाल है, आपकी जो दिनचर्या है उससे कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। देखिए, यहाँ पर बात हो रही रहमान की। रहमान एक प्रकार का लड़का है, कोई एक व्यक्ति है। आप चलिए पढ़ते हैं इसकी कहानी क्या है। कह रहा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु थी, आयु किस में, वर्षों में या महीनों में, वर्षों में का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। मतलब आप समझो, सवाल पूरा है कि कुछ अधूरा है यार। कह रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग जो है वो 1/3 है। सवाल ऐसे ही तो दिया है ना बच्चा। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम है और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। सवाल मैंने एकदम सही लिखा है। तो कह रहा फिर वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भैया पहले ये तो समझो कि अगर किसी की वर्तमान आयु पता होगी कि आज वो कितने साल का है, तभी तो हम बता पाएंगे कि वो 3 साल पहले कितने साल का था या फिर 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम मानते हैं आपकी आयु आज 15 साल है, तो हम ये भी मान सकते हैं कि आज से 3 साल पहले आप 12 साल के थे या थी, है ना। और हम ये भी समझ सकते हैं कि आज से 5 साल बाद यानी 2025 में आप 25 साल की हो जाओगी या हो जाओगे, सही है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे जिसकी पूछा है, माना, लिखो माना रहमान की वर्तमान आयु, लिख लो रहमान की वर्तमान आयु बराबर, मान लो बच्चा क्या मानोगे, 1 वर्ष, फटाफट जल्दी से लिखो। कह रहा था कि उसकी 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु का व्युत्क्रम था उसका और 5 वर्ष बाद जो आयु का व्युत्क्रम था दोनों का योग 1/3 है। तो बच्चा क्या करोगे, लिखोगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, पूर्व रहमान की आयु। तो भैया 3 वर्ष पहले वो कितने साल का रहा होगा, अगर आज 15 साल का है तो 3 वर्ष पहले वो 15 - 3 = 12 का रहा होगा। बताओ ये सही है कि नहीं। अगर आज 15 का होगा तो 3 वर्ष पहले वो 12 साल का था, यानी अगर आज यक्स का है तो 3 वर्ष पहले वो यक्स -3 वर्ष का था। समझ गए ना बच्चा। अब लिखो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा। सिंपल सी बात है, सोचो कि अगर वो आज 15 साल का है तो 5 वर्ष बाद ये 15 + 5 = 20 साल का होगा। कितने साल का होगा भैया, 20 साल का होगा ना, यानी हम कह सकते हैं कि x + 5 वर्ष। इतना सब समझ में आ रहा है ना, यानी आज उसकी आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष पहले x - 3 थी और 5 वर्ष बाद x + 5 वर्ष होगी। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब प्रश्नानुसार करेंगे। देखिए हमारे पास जगह कम है, अगर आप कहें तो मैं मिटा दूं पूरा क्वेश्चन और मैं ऊपर हल कर देता हूं। सवाल तो आप देख लिए हो, नहीं, लेकिन मैं सवाल नहीं मिटाऊंगा, मैं सलूशन मिटाऊंगा। आप इसे जल्दी फिर लिख लो, फिर मैं आगे करता हूं। इसको जल्दी से लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करेंगे तो जो मैं मिटा दूंगा वो फिर से आ जाएगा। जल्दी करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हमें सिर्फ चीज़ें ज्ञात हुई हैं। अब हम लिखेंगे, थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए 2-4 लाइन और बढ़ा देता हूँ मैं। अब लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम क्या होगा। आयु का व्युत्क्रम, देखो व्युत्क्रम का मतलब होता बच्चा उल्टा। हाँ, क्या होता है व्युत्क्रम, मतलब होता उल्टा। तो 3 वर्ष पहले जो आयु थी x - 3 अभी आई थी, तो x - 3, देखो पहले समझ लो यहाँ पे x - 3 ये 3 वर्ष पहले आयु थी। तो ये जो लिखा है एक्चुअली इतना लिखा है, बोलो हर किसी के नीचे वन छिपाया जा सकता है ना। तो व्युत्क्रम का मतलब होता उल्टा। जैसे अगर मैं 6/7 का व्युत्क्रम बोलूँ तो 7/6 होगा, यानी ऊपर जो हो जाएगा वो हर हो जाएगा, नीचे अंश हो जाएगा। ये मतलब होता व्युत्क्रम का, मतलब उल्टा। तो वैसे इसका जो उल्टा हो जाएगा बच्चा, तो 1/x - 3 वर्ष हो जाएगा। समझ में आया ना।
ये 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम है। आगे इसी क्रम में एक और चीज़ हमें चाहिए, वो क्या है? कह रहा कि अब से 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम जो है वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे लिखोगे 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम। भाई व्युत्क्रम का मतलब आप जानते हो 1/x+5। क्यों पता है? क्योंकि जो 5 वर्ष बाद की आयु थी x+5 वर्ष थी, तो उसका उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम हो गया। ये दो लाइन लिखने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको लगाने में। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप इसे जल्दी से लिख लो, फटाफट देर मत करो। बहुत से बच्चे जो है नोट नहीं करते हैं, वो केवल देखते रहते हैं, मज़ा नहीं आती है बच्चा, ठीक है? जल्दी करो, हो गया ना इतना? अब हम आगे चलते हैं। देखिए साइड में जगह है तो मैं लगा देता हूँ, लेकिन थोड़ी कम जगह है, लिख लो, हो गया। चलिए अब चलो प्रश्नानुसार कर, देखिए अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जैसे कह रहा सवाल में वैसे कर लेंगे। कह रहा था कि 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की आयु का व्युत्क्रम है, जो कि अभी मैंने प्राप्त किया था इतना, और 5 वर्ष के बाद जो आयु का व्युत्क्रम है, दोनों का योगफल यानी सम 1/3 ही मैंने वैसे कर दिया। अब क्रॉस मल्टीपल करके इनको हल करो। तो बच्चा ये हो जाएंगे x+5 का मल्टीपल होगा, x+5 हो जाएगा, इसका गुणा 1 में होगा, x-3 का इसमें होगा, x-3 इतना हो जाएगा, और इनका आपस में गुणा हो जाएगा। क्योंकि आपको भिन्न हल करना आता है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, इतना सबको पता है ना बच्चा लोग। देखो एक बात और ध्यान दो, इसका इसमें गुणा हुआ, लेकिन बीच में जो चिन्ह था वो प्लस का वैसे ही रहेगा, प्लस का चिन्ह यहाँ रहेगा, इक्वल 1/3, इतना ठीक है। अब ये चीज़ हम यहाँ हल करेंगे। आप ध्यान देना, जब ये कोष्ठक खुलेगा तो यक्स यक्स जुड़ के 2x हो जाएगा बच्चा लोग, कितना हो जाएगा 2x, और ये धन 2 हो जाएगा, क्योंकि ये धन 5 है, ये माइनस का 3 है, धन 2 हो जाएगा। नीचे की अगर बात करें तो गुणा कर लो नीचे का, देखो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा जब यक्स का गुणा x में होगा, और यक्स का गुणा जब 5 में होगा बच्चा, तो ये धन 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा धन 5x, ठीक। अब जब माइनस 3 का गुणा x में होगा तो -3x और -15 इक्वल 1/3, ये ठीक है ना इतनी कहानी, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब हम इसको ऐसे लिखते जाएंगे नीचे जैसे भी है, 2x प्लस का 2, नीचे क्या लिखोगे बच्चा? ये प्लस माइनस, ये यक्स का स्क्वायर और प्लस 2x-15 बराबर 1/3। इतना में कोई डाउट किसी को हो तो बता दो जल्दी से। मिस्टर सौरभ जी समझ में आ रहा है? प्रियंका, अनुभव, सभी को आ रहा है ना? लिखते जाओ फटाफट। अब मैं इधर साइड का मिटाऊंगा, फर्स्ट साइड का, उधर साइड का इधर ला के हल कर दूंगा। अब ध्यान दो आप लोग, हमारे पास हल करने के दो तरीके हैं, दो जगह हैं, तो मैं इधर साइड अब ला के हल करूंगा। अब ध्यान देना, जो बच्चे इसको नहीं लिखे थे वीडियो को पीछे करके फिर से लिखें। अब क्रॉस मल्टीपल करोगे बच्चा लोग तो ये आपका हो जाएगा 3 का 2 में गुणा होगा, देखो 3 का 2 में 3 × 6x और 3 का 2 में 6, तो ये हो जाएगा 6x+6 बराबर, इतना पक्का। इसको पूरे को मल्टीपल कर दो 1 में, तो ये वैसे रहेगा जैसा है, यक्स का स्क्वायर प्लस का 2x और -15, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, कोई डाउट है तो बता दो, नहीं ना। अब ये 6x अगर मैं चाहूँ तो ऐसे ही रहने दूँ, लेकिन इसको मैं द्विघात समीकरण के रूप में लिखूँगा, ठीक है? तो मैं पहले x का स्क्वायर पहले लिखूँगा, इसको इधर ले आओ, -x का स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि इधर आएगा तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, -2x, ये इधर आएगा तो बच्चा ये +15 हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, बराबर के उधर से इधर आ रहा है सब ये, इसलिए इन सभी के चिन्ह बदल गए, और ये जैसे हैं इनको इधर है ऐसे उतार लो। ये देखो मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, प्लस का ये 6x और प्लस का 6 = 0। अब ध्यान दीजिए आप लोग, मैंने कुछ नहीं किया, उधर का सारा इधर ले आया, इधर वाला इधर ही रहने दिया। अब ये यक्स का स्क्वायर का कोई जोड़ीदार नहीं है, -2x का देखो जोड़ीदार है, क्या है भैया? ये है बच्चा 4 6x ना, एक प्लस है एक माइनस, दोनों जुड़ेगा तो क्या होगा? जुड़ जाएगा, सीधी सी बात है, प्लस माइनस जुड़ेगा तो घटेगा, मतलब जुड़ेगा नहीं, एक चिन्ह जो है असमान है, तो धन 4x आएगा, क्योंकि ये इसका चिन्ह बड़ा है। आप सजातीय बिजातीय पढ़े होंगे बेसिक मैथमेटिक्स में ना, नहीं आता तो कमेंट करना, आपको बेसिक वीडियो दिखाएंगे। अब ये प्लस प्लस क्या होगा भैया? जुड़ जाएगा, तो बच्चा ये 21 आ जाएगा,
बराबर का जीरो। अब शुरू में तो माइनस अच्छा नहीं है, जब स्टार्टिंग में माइनस होता है तो माइनस वन से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, जब माइनस वन से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे और इधर साइड तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो में चाहे माइनस से गुणा करो चाहे प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे निर्जीव है वो, है ना। अब ये हो गई आपकी एक नई कहानी। गुणा करने पर माइनस का क्या है, 21 आए और जोड़ने पे 4 आए। चलो अब हम इधर साइड में हल करेंगे, ध्यान देना, इसको ला के इधर कर लो। आपको पता होगा गुणा करने पे 21 आए, 7 × 21 होता है, 7 में से अगर 3 घटाओगे 4 आ जाएगा ना, ये तो ठीक है। तो बच्चा लोग क्या करोगे, इसको कर लो एक्स का स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे लिख लो 7 − 3x − 21 बराबर जीरो। गुणा करोगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस ये 7x, कोष्ठक खुलेगा तो ये 3x हो जाएगा और ये माइनस का 21 बराबर जीरो। इसमें यक्स कामन लोगे यक्स माइनस 7 बचेगा, इसमें 3 कामन लोगे बच्चा तो यक्स माइनस 7 बचेगा बराबर जीरो। यक्स का मान यहाँ 7 आएगा और यक्स का मान यहाँ माइनस 3 आएगा, ये आपको पता होगा बहुत अच्छे से, दोनों को अगर एक एक बारी बारी जीरो के बराबर करोगे तो, है ना। मैंने एक लाइन शॉर्टकट कर दिया है, ये लो मैं उसको भी नहीं करता हूँ, जाने दो यक्स माइनस 7 एंड यक्स प्लस 3 यही आएगा ना बच्चा, तो यक्स बराबर एक मान जो है अब 7 आएगा और एक मान क्या आएगा माइनस 3 आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें वो देखना है, हमसे कहा था कि भैया उसकी आयु वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, किसकी, रहमान की। तो आप ये सोचो कि किसी की आयु माइनस में तो होगी नहीं, कि रहमान वर्तमान में माइनस 3 साल का है, भाई 3 साल का ऋणात्मक हो गया वो, नहीं ना, कोई बच्चा तो ऋणात्मक होगा नहीं, इसलिए हम एक्स का माइनस मान नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला मान लेंगे, यानी हमें मिल गया अतः रहमान की वर्तमान आयु एक्स बराबर 7 वर्ष। कितने वर्ष, 7 वर्ष, ये आपका उत्तर हो गया। बात समझ में आई ना। तो बच्चों आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कोई भी डाउट है तो हमें निसंकोच आप कमेंट करिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। हाँ एक बात आपको और बता दें, आप इस तरह की बड़ी बड़ी क्लास भी देख सकते हैं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, रेगुलर पढ़ाई करें। ऊपर आपको नंबर दिखाया गया है, उसको नोट कर लीजिए, उस पर संपर्क करिए, आपको बड़ी बड़ी और सारी क्लासें दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, कोई भी डाउट है तो निसंकोच हमसे बताइए। जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे हम उतनी बड़ी क्लास चलाएंगे, एक एक घंटे, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे की क्लास चलाएंगे, 4 दिन में चैप्टर ख़त्म कर देंगे, लेकिन आप लोग ज़्यादा बच्चे जोड़ो, ठीक है, विनम्र निवेदन है आप सभी साथियों से, ज़रूर करेंगे ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा और घर पर पढ़ाई करते रहिएगा बच्चा लोग, मिलते हैं फिर, जय हिंद।